परमेश्वरी स्कूल की चपरासन बन जाती है। और काम के साथ साथ अपने आप पढ़ना लिखना सीखने का प्रयास करती है। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो गांव वाले थूकेंगे तेरे मुंह पे। गांव की दूसरी औरतों के बहकावे में आकर उसकी सास उसे नौकरी करने के लिए महादेव की इजाजत ले आने के लिए कहती है। और मास्टर जी की मदद से परमेश्वरी अपने पति को पहली चिट्ठी लिखती है। जल्दी चल, अभी आई हाथ धो के। क्यों रूठी हो? रूठी हूँ मैं? अरे मैं क्यों रूठने लगी किसी से? रूठने के लिए तुम्हें कोई कारण थोड़े ही चाहिए। पर मैं रूठी नहीं हूँ। तुम्हारा पोता वहाँ से चिल्लाता आया है, रूठी है रूठी है। दादू जी रूठी नहीं, चिट्ठी चिट्ठी। चिट्ठी चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? अब तुम यहाँ बैठकर सोचते रहो किसकी चिट्ठी। मैं जा रही हूँ। अरे बता तो सही। मैं चली। अरे बोला चाचा को मैंने नहीं बताया। बोला चाचा को तो रामू चाचा ने बताया। वो दोनों जानते हैं? और कौन कौन जानता है? और तो कोई नहीं जानता। अब किसी को बताना नहीं? किसी को नहीं बताऊंगा। अरे क्या नहीं बताऊंगा? कुछ नहीं कुछ नहीं। तू डर मत चाची, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तेरी चिट्ठी आई है। अरे रुक तो सही, मुझे भी तो तेरे सास के घर ही जाना है। अरे शब्बो बोली, तेरे सासू के घर से नेवता आया है गोद भरने के लिए। मुझे तो मालूम नहीं था, मैं बाजार गई थी ना। भाभी जी मिल गई? क्या वो? हाँ मिल गई। अच्छा क्या मिल गई? कुछ नहीं, वो हमारी लाड़ी की कैंची को भूल गई थी, वो मिली। अच्छा अच्छा चल। शब्बो बोली थी लाल चूड़ियाँ चाहिए, तो वो इतनी बाजार में ढूंढी ढूंढी मिल गई। फिर क्यों भाभी मिल गई? क्या मिल गए रे रज्जक? अम्मी पूछ रहे ना भाभी से। क्या मिल गए? कुछ नहीं, वो मच्छिंदर ने किताब भेजी थी ना। हाँ? वो मिल गई। अच्छा अच्छा चलो चलो। हाँ तो मैं क्या बोली, मैं शब्बो की चूड़ियाँ लेके आई और मेहंदी भी लेके आई। तेरी मुन्नी को शब्बो मेहंदी लगाने वाली है ना। हाँ इसलिए। अभी जी ठहरो। मिल गई। क्या मिल गई? सफेद बदन और काले टीके, ये आती है दूर से उड़ के। ये क्या पहेली हुई? हाँ पता नहीं कौन से पंच का नाम ले रहा था। लो आ गई। आओ आओ। अरे थोड़ा जल्दी आ जाती तो तुम्हें मेरे पाँव जमाने थोड़ी ही बिठा देती मैं। लो सुनो। अरे देवरानी मेहनत से थोड़ी डरती हूँ मैं। ला ले आ तेरी अनाज की बोरिया, अभी पीस देती हूँ। क्यों? अरे अनाज क्यों पीसवाऊंगी तुमसे आज? आज तो मैंने मुंह मीठा करने के लिए बुलाया है सब लोगों को। कहाँ है हमारी बिटिया रानी? बड़ी सुंदर लग रही है। नजर ना लग जाए। लो सुनो इनकी, अब मेरी नजर लगेगी अपनी बिटिया को। चलो ला। क्या चीज़ है?
ननद जी की चमचमाती चूड़ियां तो देखो। अरे हाँ। क्यों ननद जी, क्या खाने को जी कर रहा है, खट्टा या मीठा? सब खिलाऊंगी, घर आ जाना। हाँ। अरे तेरा नेवता आया तो मुझे लगा तूने सारे गांव को ही बुला लिया। अरे वो तो बुलाऊंगी। हाँ। लेकिन इसको बेटा होने के बाद। ये सही है। और बेटी हुई तो? अरे चुप, बर्फी की बात क्यों करती है, पेड़े की बात कर। हाँ। अरे किसी की नजर कैसी होती है किसी की कैसी, इसीलिए सिर्फ अपने लोगों को बुलाया है। कल तक थोड़ी ना रुकने वाली है ये, बड़ी मुश्किल से जीजा जी से एक दिन निकलवाया है, शाम को वापस ले जाएंगे। अभी जीजा जी क्या बोले मालूम है? बोले अगर आप उसे पढ़ना लिखना सिखाते तो चार दिन क्या महीना भर रुकवा देते इसे। अच्छा ये बात है। मतलब हुआ कि ये दोनों अपने मन की बात बता सकते हैं एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर। हमने तो अपनी बिटिया को दाल चावल पकाना सिखा के भेजा है आपके घर। क्यों बेरी भाई? और क्या भाई, जो औरतों के काम थे वो सिखा दिए हमने, अब अगर आप चाहते हैं कि वो मर्दों के काम भी करें तो फिर आपकी दासी आपके घर में है, सिखा दो उसे। क्यों? और क्या, क्यों दासी क्यों, वो तो रानी है इस घर की, बहू को दासी कहना पुराना ख्याल हो गया है। ओ क्यूरी, अगर हम पुराने ख्यालात की होती तो तू इस तरह हमारे मुंह लगती? ए बड़ी भाभी, कल मुझे चिट्ठी मिल गई। हाँ मिल गई। महादेव ने तेरे नाम चिट्ठी भेजी है, और देखो तो कैसी भोली बनी बैठी है, जैसे कुछ जानती ही नहीं। अब मैंने क्या किया? अरे घर में ससुर जी है, देवर जी है, सभी को छोड़कर इसी के नाम चिट्ठी लिखी। तू बीच में क्यों अटपकी? ये लो, मुझे क्यों डांटती हो, मुझे क्या पता, मुझे तो अभी रास्ते में रानू चाचा मिले थे, उन्होंने बताया कि जाके अपने भाभी से पूछो चिट्ठी मिली कि नहीं। लो अब रामू चाचा भी जानता है, आप पूरे गांव में ढिंडोरा पीट जाने में कौन सी देरी है। हाँ? लड़के शहर क्या जाते हैं, झट से माँ बाप को भूल जाते हैं। नहीं नहीं, मेरा महादेव ऐसा नहीं है। मगर तेरी बहू ऐसी वैसी थोड़ी है, वो तो स्कूल में नौकरी करती है ना। ला इधर ला चिट्ठी, ला ना, देखने तो देना, सासू जी मांग रही है, दे दे दे। अरे जल्दी जल्दी लाना इधर। सासू जी एक दिन हमारे देवर जी की भी चिट्ठी आएगी इसके नाम। लेकिन मैं कहाँ पढ़ना जानती हूँ, तू सीख लो ना अब। अरे वो बात छोड़, हमारे भरत और शत्रुघ्न भरोसे वाले हैं। परसों तो उसकी आवाज हमारे घर तक पहुँच रही थी, पी के आया था शायद। माँ वो तो कहते हैं कैसा अनाड़ी गांव है तुम्हारा, शहरों में तो सभी लड़कियाँ बचपन से पढ़ती हैं, चिट्ठियाँ पढ़ती हैं, किताबें पढ़ती हैं, क्या बुरा हुआ उनका, वो तो बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर। वहाँ हमारी बस्ती में औरतों का शाम का स्कूल खुला है, मुझे कहते हैं तुम जाओ वहाँ पर। अरे भैया तू क्यों नहीं जाती, मैं होती ना तो कब की चली जाती। मुझे बड़ी शर्म आती है। अरे शर्म काहे की, पढ़ लिख के सियाने बनने में शर्म कैसी। वो कहते हैं पढ़ लिख कर सिलाई का काम करोगी तो महीना कम से कम 500 की आमदनी तो पक्की समझो। 500? हाँ अब जमाई राजा ने बात की तो पते की हो गई, बहुएं तो हमेशा गलती कहती है ना। ले आ गई तेरे हाथ में चिट्ठी। हाँ तो पढ़ के दिखा दे हमें, यह जमीन का कोई सरकारी कागज है जो पढ़ नहीं सकती हमारे सामने। अरे पढ़ ना। हाँ बहू आजकल पढ़ने लगी हो ना तो दिखाओ सबको पढ़कर। हाँ हाँ पढ़ो ना, कुछ पता तो चले। अरे पढ़ो ना, अपने आदमी की चिट्ठी सबके सामने थोड़ी ना पढ़ी जाती है, ये तो जुर्म हुआ। अच्छा तो इनके शौहर अब ऐसी चिट्ठियां लिखने लगे जो सबके सामने पढ़ी नहीं जाती। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सासू जी ने कहा था कि नौकरी करूँ या ना करूँ उनसे पूछ लो, सो मैंने पूछ लिया। हाँ अच्छा तो तूने पहले चिट्ठी लिखी थी, फिर एक बार बोल। सचमुच दीदी? सचमुच चिट्ठी भी लिख सकती है तू? हाँ मैंने चिट्ठी लिखी थी, मास्टर जी ने मेरी मदद की थी। या अल्लाह इतना आगे बढ़ गई है तू। नहीं सासू जी
ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आप ही ने तो कहा था कि वो राजी होंगे तो नौकरी करूं, ना होंगे तो ना करूं। तो इसमें लिखा होगा वो राजी है या नहीं, बस इतनी सी तो बात है। हाँ हाँ तो पढ़ दो, हम भी तो सुने वो राजी है या नहीं। पढ़ना, अरे पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा है? सोई होगी हाँ? यहाँ पे। अच्छा मैं दिखाता हूँ वो कैसी सोएगी। ये देख, अच्छी 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 सीता माई नरम दिल वाली, शर्मीली नाजुक औरत, आदरणीय आचार वाली। कौन सा आचार बोला? नींबू का आचार पता था, आम का आचार पता था, तू कौन सा आचार बोला? ये सीता माई क्या राक्षसों के पहरे में भी आचार बनाती थी? हे भगवान, क्या ये पागलपन तुझे नहीं सुनाई देता? अरे कैसे अभिनेताओं से पाला पड़ा है इस निर्देशक का? सक्का? ये सक्का सक्का क्या है? ए तो चुप रहे। देखो ये औरत की तरह मैं ले गया, साला मूड चला जाता है। कोई नहीं गया यहां से, कब से बैठा हूं मैं यहां, हर वक्त झूठ बोलता है तू। अब क्या बताए तुझे, तुम लोगों के लिए अंग्रेजी भैंस बराबर है। विदेश में तो बच्चे बूढ़े औरतें सब अंग्रेजी पढ़ती होंगी ना, मजा आता होगा। अरे वो उनकी मातृभाषा है इसीलिए पढ़ते हैं अंग्रेजी। क्या मतलब है तुम्हारा, अपनी माँ की भाषा सब अपने आप पढ़ते हैं? अपने आप कैसे पढ़ते होंगे, पढ़ना लिखना सीखते होंगे। अरे यार तुम लोग ऐसे फिजूल की बातें करोगे ना तो हम नाटक अब करेंगे। अरे ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे सोया हूँ, सोई हूँ, और हनुमान जी यहाँ से कूदते हैं। हनुमान, चंदर,
नहीं आया अभी तक। हाँ, मुझे नहीं लगता वो आज भी आएगा। हनुमान कौन करेगा फिर? मैं तो शूर्पणखा हूँ। तू चुप रे। अरे मिल गया हनुमान, मिल गया हनुमान। नहीं 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 अरे मुझे जाना है। चुप, तुझे क्या, तुझे मुझे, अरे मुझे जाना है। हराम, ये बंदर यहाँ से टपकेगा तो डर के मारे में मर जाऊंगी। ए, ए, जब तक मैं हनुमान जी का मुंह नहीं पहनता ना, तब तक तू मुझे बंदर नहीं कहेगा। हाँ, मुझे गुस्सा आता है। बंदर, बंदर। अरे मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो एक तरफ पाटिल जी गुस्सा करेंगे और बाजार में जाने के लिए पैसा नहीं दिया तो वो गुस्सा करेगी। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे बहुत काम है, जाने दो। देख देख देख, क्या भावना है शब्दों में, क्या दर्द है। ए, तू अभी जैसे बोला है ना वैसे बोला है, सिर्फ डायलॉग अलग होंगे। नहीं 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 मैं क्या। अरे गज्जू, 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 गज्जू अपने दोस्तों को धोखा मत दे, उनका हृदय मत तोड़। ठीक है, नहीं तोड़ूंगा, एक डायलॉग का एक रुपया। नहीं अठन्नी, हनुमान जी के कितने डायलॉग है? हम लोग कितने यहाँ पे? एक दो तीन चार पांच। अच्छा तो फिर पांच रुपए के डायलॉग बोलना, ठीक है? एक दो तीन चार, ठीक है। एक एक रुपया निकालो सब लोग। अरे भाभी तुम कब आई? जरा इधर आना। भाभी एक मिनट ठहरना, बीच में मत बोलना। अच्छा देखो, तुम वहां से कूदोगे हाँ, और फिर रामजी की चिट्ठी पढ़ोगे, ठीक है? चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी मुझे पहले देखने पड़ेगी, वो मैं नहीं ठीक से पढ़ सकता। हाँ अरे सच में चिट्ठी नहीं पढ़नी है, वो चिट्ठी दिल से याद करके आया था, बस बोल देगा। हाँ तो ठीक है, तो बोल कि राम जी ने कहा है। राम जी ने कहा है एक रुपया। प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी दो रुपया। हृदयेश्वरी, हृदयेश्वरी तीन रुपया। बस अब कूद जा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रुक रुक रुक, कहाँ लगा है? तुम्हारे भैया की चिट्ठी आई है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ नहीं सकती ना, जरा पढ़ के सुना दो। अरे क्यों नहीं भाभी, अरे सुनो सुनो सुनो, भाभी को चिट्ठी आई है, हम सब मिलके पढ़ते हैं। अच्छा, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी। अरे चिट्ठी तो खोल। मैं इतना दूर पड़ा, दिन रात तेरे विचारों में खड़ा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, अब कैसे हो? अपने सास के साथ खुशहाल रहो। सात समंदर पार करके तुम जल्दी जल्दी आओ। अरे कुछ तो आगे बोलो, कुछ तो लाओ। मेरी चिट्ठी ले दो। चाची, चाची,
करूं? तुम छोटे बच्चे भी पढ़ लेते हो लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। तेरे चाचा की चिट्ठी आई है, कोई भी आके मेरा मजाक उड़ा सकता है। अपने आदमी के दिल की बात भी अपने पास नहीं रहती। रो मत, हम दोनों मिलके पढ़ेंगे। ये है यो, यो को डंडा। ये है आधा प, हुआ प्यो, प्या रो, प्यारी परो में। क्या कर रहे हो? हम चाचा की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ के दिखाऊं? भाभी क्या दोगी बोलो? मांग बाबा मांग, कुछ भी मांग। मैंने कहा था ना, पढ़ना लिखना ना आए तो कोई भी आके सौदा कर सकता है। भाभी तुम तो सचमुच बुरा मान गई, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ला इधर, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। प्यारी परमेश्वरी, मैं यहाँ कुशल हूँ। तुम्हारी चिट्ठी देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया। तुम पहले से होशियार तो हो ही, लेकिन तुम पढ़ना लिखना इतनी जल्दी सीख जाओगी यह मैंने नहीं सोचा था। हमारी प्रोफेसरी कमला जी का कहना है तुम पहले से पढ़ती तो प्रोफेसर नहीं बन जाती। वो कहती है औरत की पढ़ाई लिखाई में कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो खूब सारी औरतें पढ़ती लिखती हैं। प्रोफेसरी जी का कहना है औरत नौकरी भी कर सकती है। तुम जरूर स्कूल की नौकरी करना। बाबा और माई को कहना कि मैं राजी हूँ। मुन्नी की बहुत याद आती है। यहाँ गांव की तरह शांत तो नहीं लगता, मगर इतनी चीजें हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। माई और बाबा को नमस्कार। गणेश, नानी बहू, लाड़ी, मच्छिंदर, गोविंद, मुन्नी सबको आशीर्वाद। तुम्हारा प्यारा पति महादेव। तो भाभी अब तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। जा गोविंद, माँ बाबा सबको बता दे कि भैया भाभी की नौकरी के लिए राजी है। जा दादी, चाचा राजी है चाची की नौकरी के लिए। आ गई उनकी पहली चिट्ठी, पढ़ न सकूं मैं अपनी चिट्ठी। दुखियारी मैं दर दर फिरती, सबके आगे रोना रोती। पर जैसे खुल गई उनकी चिट्ठी, हो गई फिर तो सबकी छुट्टी। उनकी इजाजत सुन ले जमाना, मेरी चिट्ठी मेरा खजाना, काला अक्षर मेरा खजाना। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी, भैंस बराबर, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर।